ओवर पावर चीजें पाने का शौक किसे नहीं होता, ये जानते हुए भी वो हर किसी के हाथ नहीं आती, और अगर उसके पीछे मैं हूं तो शायद वो किसी के भी हाथ ना आए। इस SMP में था एक ऐसा लौता वेपन जो अगर किसी के पास है तो वो बंदा इस SMP का सबसे पावरफुल बंदा माना जा सकता है। एक ऐसा वेपन जो SMP के सबसे पावरफुल और डेडलीस्ट प्लेयर्स को मारने की ताकत रखता है, और वो भी कुछ हिट्स में। दिखने में सबसे सुंदर और चलाने में सबसे पावरफुल उस वेपन का नाम है ग्रेट स्वॉर्ड, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ धमाका SMP। ये वेपन कहाँ छुपा है ये किसी को भी नहीं पता, सिवाय एक प्लेयर के जो कि है सर्वर का एडमिन। उसने इस स्वॉर्ड को एक ऐसी जगह छुपा के रखा है जहाँ से इस स्वॉर्ड को कोई भी इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकता है। पर आसान चीज में मजा ही कैसा। कुछ टाइम में एडमिन इस स्वॉर्ड का पहला क्लू अनाउंस करने वाला था, और मैं अकेला नहीं था जो इस स्वॉर्ड के पीछे था। SMP के कई सारे प्लेयर्स इस स्वॉर्ड के पीछे लगे थे, और उनमें से मैं भी एक था। SMP में सब स्टैकअप होने के बाद वेट कर रहे थे ग्रेट स्वॉर्ड के सबसे पहले क्लू का। मैं भी उस क्लू को ढूंढने के लिए काफी रेडी बैठा था, और हमारे इन्वेंटरी में कुछ देर में ही आई गेस पहला क्लू आ जाएगा जैसा कि अनाउंसमेंट में था। चलते हैं ओवर वर्ल्ड में, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा पहला क्लू कब आएगा। तो मैं आ चुका हूँ ओवर वर्ल्ड में, हमारा पहला क्लू ये रहा जो सबको मिल चुका आई गेस। ओके, सो समटाइम इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव एंड। तो चलो इस क्लू को डिकोड करने की ट्राई करते हैं। जहां तक मुझे लगा इस क्लू के 3 मतलब हो सकते हैं हमारे एडवेंचर में जो हमें काम आएंगे। नेगेटिव एंड की बात करी गई है। सबसे पहली एंड में अगर हम नेगेटिव कार्ड्स की तरफ जाएंगे तो शायद हमें ये मिल सकता है, बट एंड अभी सर्वर में खुला नहीं है तो हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि नेगेटिव कॉर्ड्स पे कोई एंड पोर्टल हो, वहां हमको हमारा दूसरा क्लू मिल सकता है। एंड तीसरी जो सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है जो हो सकती है, हमें सर्वर के अंदर नेगेटिव कॉर्ड्स पे जाना चाहिए। एंड जहां तक मुझे पता है सर्वर के अंदर एक वर्ल्ड बॉर्डर सेट है, हम लोग अगर नेगेटिव कॉर्ड्स की तरफ जाएंगे तो शायद मे बी वर्ल्ड बॉर्डर के अराउंड हमें कुछ मिल जाए जहां पर नेगेटिव कॉर्ड्स पे एक एंडिंग है। सबसे इजी पॉसिबिलिटी थर्ड वाली जिसको हम लोग अभी पैलेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई निकलते हैं हम लोग अपने सफर पे द ग्रेट स्वॉर्ड के। ओके, मैं आ चुका हूँ वर्ल्ड के सेंटर पे, एंड यहाँ से मुझे अपने आपको नेगेटिव कॉर्ड्स पे ही ले जाना है। तो अभी नेगेटिव कॉर्ड्स के टूवर्ड्स चलते हुए पता चलेगा हमें कि कितना है वर्ल्ड बॉर्डर और हमें कहाँ तक जाना है। भाई अभी अभी जस्ट आग लगी है क्या? मेरे को लग रहा है पूरा जंगल खाली हो गया भाई। ओके, बट कोई बात नहीं, अभी हम अपने मकसद से भटकेंगे नहीं, हमको जाना है वर्ल्ड के एंड पे। काफी लंबा सफर करने के बाद मैं पहुंच चुका था ऑलमोस्ट 6500 के अराउंड, और अभी भाई ये पॉसिबिलिटी अगर फेल हुई ना भाई तो मुझे फिर दूसरी पॉसिबिलिटी पे जाना पड़ेगा जो कि थोड़ा टफ होने वाला है। सो लेट्स होप ये पॉसिबिलिटी हमारी फेल ना हो भाई, मैं नहीं चाहता भाई ये फेल हो। बट अभी मुझे देखना पड़ेगा कि अभी तक वर्ल्ड बॉर्डर खत्म नहीं हुआ है, सो कितना और चलना पड़ेगा हमें। थोड़ी सी और देर चलने के बाद ही मुझे कुछ ये पता चलता है। यो ओके, मुझे कुछ दिखा भाई। ओके, वर्ल्ड बॉर्डर एंड हो चुकी है, मैं नेगेटिव पे भी आ चुका हूँ पूरा का पूरा, बट यार अभी तक कुछ क्लू नहीं दिखा है। मतलब वर्ल्ड बॉर्डर के एंड पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पॉसिबिलिटी फेल होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं दिखा था जो मुझे दिखना चाहिए था, और ना ही मुझे ऐसा कुछ सोर्स दिख रहा था जहां से मैं अपना क्लू ले सकूं। बट मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। ओह, किसी का बेस भाई, बीकन भाई, बट ये किसी का बेस नहीं लग रहा मुझे। ओके, किसी का बेस है भाई वहाँ पे, बीकन विकन शिकन सब है सब। लेट्स गो, देखते हैं भाई। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी का बेस है, बट शायद मैं अपने सेकंड क्लू तक पहुँच गया था, तो मैं जरा भी देर किए बगैर चल पड़ता हूँ भाई अपना सेकंड क्लू ढूंढने। मुझे ये बेस तो बिल्कुल नहीं लग रहा कहीं से भी भाई, ये पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता गलत है हमारी। लेट्स गो, मेरे को लग रहा है यहीं में से चेस्ट में से किसी में हो सकता है भाई। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन चेस्ट में से ही किसी में हमारा सेकंड क्लू होगा, मैं गलत था भाई। सारे चेस्ट खोल के देखे मैंने, किसी में मुझे सेकंड क्लू नहीं मिला हमारा। पर मैं बाहर जाके देखता हूँ भाई, ट्रीज पे काफी सारे बटन लगे हुए हैं, और मैं क्लिक करना स्टार्ट करता हूँ बटन को, पर ये बटन बहुत ज्यादा ही थे भाई, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे सारे बटन क्लिक करने ही पड़ेंगे। पर हाँ, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हें तो सिर्फ ये सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करना है, तो यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करो। तो काफी सारे बटन मैं क्लिक कर चुका था, बट मुझे अभी तक कोई क्लू नहीं मिला था भाई। ये बटन दबाते दबाते ना मेरी उम्र बीत जाएगी, बट दबेंगे नहीं सारे अभी भी। ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ तो मिल जाए भाई बटन। ये ओके, ये देख सकते हैं भाई, ये दब सकता है। शिट भाई, ये भी नहीं है। ओके, ओह क्लू टू, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। तो बटन दबाते दबाते मेरी उंगलियां थक चुकी थी, बट फाइनली हमें हमारा सेकंड क्लू मिल चुका था। मुझे पता नहीं था भाई कि ये सेकंड क्लू को समझना इतना मुश्किल होने वाला है। देखते हैं हमारा सेकंड क्लू क्या है भाई। वेयर रियलिटी बेंड्स
सीक द नियरेस्ट डायमेंशन रैम। यस, ये था हमारा सेकंड क्लू, वेयर रियलिटी बेंड्स, सीक द नियरेस्ट डायमेंशन रैम। क्या तुम लोग एक क्लू गेस कर पाए? कमेंट सेक्शन में पहले ही गेस कर लेना अगर तुम लोगों ने गेस कर लिया है तो। अकेले इस क्लू को समझना या इसकी पॉसिबिलिटीज निकालना मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट होता और उस टाइम पे मुझे काफी जल्दी थी, तो मैं ले लेता कुछ स्मार्ट यूट्यूबर्स की हेल्प जिनके मदद से मैं इस क्लू की पॉसिबिलिटीज निकाल सकता था और हाँ, ये मैं उनसे पता लगा के सबसे पहले उस चीज के ऊपर बढ़ सकता था। तो मैं बुला लेता हूँ सबसे पहले पीएचडी भाई को ये डिकोड करने के लिए। हेलो हेलो पीएचडी भाई। हेलो सर भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी मस्त। हाँ, सो मेरे को आपकी एक हेल्प चाहिए थी। सो मेरे को एक क्लू मिला है जिसका मुझे मतलब डिकोड करना है जिसको, और मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि उस क्लू में होगा क्या, तो मैं आपको वो क्लू भेजता हूँ। और वो क्लू ऐसा है कि वेयर रियलिटी बेंड्स, सीक द नियरेस्ट डायमेंशन रैम। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या हो सकता है, इसका मतलब? वेट एक सेकंड, वेयर रियलिटी बेंड्स, सीक द नियरेस्ट डायमेंशन रैम। यस, माइनक्राफ्ट के रिलेटेड है ना? हाँ, माइनक्राफ्ट के रिलेटेड है, माइनक्राफ्ट के अंदर ही है ये। देखो, ये जो है रियलिटी बेंड्स जो कह रहा है, हाँ, मेरे को लगता है कि जैसे नॉर्मल जो माइनक्राफ्ट में होता है वो होता है ओवरवर्ल्ड। यस यस, वहाँ पे पूरा जहाँ पे उल्टा हो जाता है उसका, वो हाँ, है नेदर, नेदर। तो शायद नेदर की बात कर रहा होगा। हाँ, बट नियरेस्ट डायमेंशन रैम, तो इसका मतलब हाँ, कैसे की कर सकते हैं? नियरेस्ट मतलब कौन सा नेदर होगा? हम तो कहीं पे बना सकते हैं ना नेदर। देखो, उसने कहा है कि नियरेस्ट डायमेंशन रैम, तो मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि किसी कोई राइमिंग वर्ड हमको ढूंढना होगा। ओके, जैसे बैंड्स है, एंड्स। ओके, मे बी टॉकिंग अबाउट द एंड। ओह, पर उसके बाद नेदर में भी कुछ हो सकता है इसका मतलब। yes, yes. एंड में भी हो सकता है, दो में से एक। क्या बात है पीएसडी भाई, क्या बात है, ये सही इंसान को पकड़ा है आई। थैंक यू सो मच पीएसडी भाई। तो पीएसडी भाई से पूछने के बाद हमें सेनपाई से भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर दो जन पर्टिकुलर चीज में से एक चीज पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं ना, तो फिर मैं वो चीज वाला पहले करूंगा और दूसरी चीज वाला बाद में। तो चलो फिर सेनपाई को भी बुला लेते हैं थोड़ा सा मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। हेलो सेनपाई। हेलो साहब भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तुम कैसे सेनपाई भाई? मस्त एकदम। अरे मेरे को आज एक हेल्प चाहिए थी भाई तुम्हारी। हाँ बताओ क्या हुआ। अरे मेरे को एक क्लू मिला है और जो क्लू मुझे सॉल्व करके कैसे भी करके एक डेडलेस चीज तक पहुंचना है भाई, और वो क्लू मतलब मेरे को सॉल्व करने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटीज क्या सकती है, तो मैं सोचा कि दो तीन जन को पूछना चाहिए मुझे। तो भाई ये क्लू ऐसा था कि वेयर रियलिटी बेंड्स, सीक द नियरेस्ट डायमेंशन रैम। तो भाई क्या हो सकता है मतलब इसका मतलब? अच्छा, वेयर रियलिटी बेंड्स, सीक द नियरेस्ट डायमेंशन रैम। यस, देखो इसमें डायमेंशन का जिक्र किया है, तो मोस्ट प्रोबब्ली किसी अलग ही डायमेंशन में होगा, नेदर या एंड में। हाँ, ये तो है। एंड वेयर द रियलिटी बेंड्स मतलब ओवरवर्ल्ड से एकदम ही अलग होना चाहिए, बिकॉज़ रियलिटी इधर चेंज हो रही है। यस डेफिनेटली, ये तो है। नेदर में पानी में नहीं लगा सकता, ओवरवर्ल्ड में लगा सकता, वहां पे थोड़ा बदलता है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है yes. ये एंड डायमेंशन हो सकता है, क्योंकि जैसे ओवरवर्ल्ड में हम लोग मस्त चलते, एकदम चिल रहते हैं, ठीक है। उधर तो मतलब उधर कुछ है ही नहीं, आइलैंड्स हैं उड़ते हुए, वॉइड है, तो मतलब उधर एकदम उल्टा है ओवरवर्ल्ड से, एकदम उल्टा। ओके, हो सकता है शायद एंड इस एसएमपी में एंड बंद है, मेन चीज तो ये है, इसलिए मैं कंफ्यूज था। तो शायद वो जगह हो सकती है जो तुम्हें एंड ले जाए, स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है, probably. तो मेन प्लस पॉइंट तुम्हारा भी स्ट्रॉन्ग होल्ड को जा रहा है। ओके, सो यही पीएसडी भाई ने भी आई गेस सोचा कि हाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है, और मैं भी यही कॉन्फिडेंस। अच्छा। प्लस तीन हो गया, तो मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ जाना चाहिए, वही जाके देखो, मुझे तो वही लगता है होगा। ओके, सो मैं चलता हूँ सफर पे सेनपाई, मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, थैंक यू सो मच। अब मेरा सबसे पहला गोल होता है मुझे नियरेस्ट एंड पोर्टल को ढूंढना है। मेरे पास एसएमपी का सीड होता है जिससे मैं भाई चंक बेस पे डाल के ना नियरेस्ट एंड पोर्टल ढूंढ लेता हूँ, और अपना नियरेस्ट एंड पोर्टल हमें मिल जाता है। ओके, सो ये है हमारा नियरेस्ट एंड पोर्टल, और अब हमें यहीं जाना है। जैसे मैं निकलता हूँ अपने एंड पोर्टल की तरफ, तब मुझे एक बंदे का बेस दिखता है, और फिर ये बंदा है भाई यहाँ पे, डेडली स्टोन भाई, बेस छुपा रहा अपना। भाई मैं वेट करता हूँ इसके जाने का, इसके बेस से, और फिर देखते भाई। मुझे एक प्लेयर दिख चुका है और उसका बेस भी दिख चुका है, तो ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं भाई? भाई इस बेस में है क्या इसके, ऐसा जो बना रखा है? हाँ, कहाँ था इसका लीवर, कहाँ था यार? ओके, ये रहा। ओह, अंदर मेरे को लगा दो बंदे है भाई अंदर बैठे हुए। ओह, ये तो छोटा सा क्यूट सा बेस है यार, एक सही है भाई, ज्यादा कुछ है। ओके, एंडर पर ले भाई के पास, ये तो लेके जाता हूँ मैं, मुझे ना इससे काम निकलवाना है मेरा। तो मैं उस बंदे को मैसेज करके उसके बेस पे बुला लेता हूँ। ओह हेलो हेलो, कुछ जरूरी बात करनी है, ठीक है आ रहा हूँ, चलो बढ़िया। हेलो हेलो डेडली स्टोन, बड़ा प्यारा बेस है तुम्हारा, बड़ा प्यारा बेस है, दो पैड्स भी बहुत प्यारे है। मैं तो सोच रहा था भाई इन्हें मार दूं। अरे नहीं नहीं प्लीज यार, मेरा बेस मिल गया तुम्हारा, अब मैं क्या करूं इस बेस का, कुछ तो है ही नहीं यार, यही है थोड़ा बहुत, ये रख लो तुम, ये तुम ही रखो। ठीक है ठीक है, मैं इनको एक शर्त पे छोड़ता हूँ, ठीक है? मेरे को एक काम है तुमसे, काम कर पाओगे? हाँ, कर लूंगा, वरना भाई मैं इन दोनों को बजा दूंगा यार। अरे नहीं नहीं, तुम काम बताओ। मुझे एक बहुत ही बड़ा किलिंग मशीन बनाना है, उसमें मुझे चाहिए हेल्प सामान कलेक्ट करने में, तो वो कर पाओगे? बड़ा मेरा पीसी छोटा सा, चार्जिंग भी
अरे तो रैम अपग्रेड कर लो उसके बाद बना दो। पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे क्या तुम्हारी भी हालत इसके जैसी है। सुपर हैंगआउट लेके आया है तुम्हारे लिए माइनक्राफ्ट का बहुत ही ज्यादा बढ़िया मेगा इवेंट, जिस इवेंट का नाम है डेडली बैटल ऑफ विंटर, जिसको जीतने के बाद तुम लोग जीत सकते हो काफी बड़े कैश प्राइजेस, जैसे कि $100 और $75 का कैश प्राइज। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम लोगों को डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है सुपर हैंगआउट्स का, जिसका डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक दिया हुआ है, जाके वहां पर तुम लोगों को फॉर्म फिलअप करना है इवेंट के लिए। और 18 नवंबर को इवेंट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। मैं भी उस इवेंट में ज्वाइन करने वाला हूँ। अपने लिए भाई कैश प्राइज जीतो और भाई कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदो। तो इसे तो हम लोग छोड़ देते हैं शर्त पे कि ये बाद में फ्यूचर में हमारे लिए मेगा प्रोजेक्ट करेगा, और निकल जाते हैं हम लोग अपने मेन सफर पे जो कि है द ग्रेट सॉर्ड को पाना। यहाँ पर ही है, यहीं से कहीं से होगा नीचे रास्ता। आई गेस ही नीचे गया, तो यहीं से मुझे डिग डाउन करना चाहिए स्ट्रेट स्ट्रेट। अब देखना पड़ेगा भाई मुझे इसके नीचे, मैं स्ट्रेट डिग डाउन नहीं करूँगा, मैं स्टेयर्स बनाता हूँ भाई। यस आई गेस ये रहा, लेट्स गो ब्रो। हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड पे आ चुके हैं, हमारे ये है स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये काफी इजी हो गया, यहाँ से सीधा निकलते हुए यहीं पे आ गया भाई। सो भाई हमारा सेकेंड क्लू के हिसाब से ये ही हमारा नियरेस्ट डायमेंशन रैम है, बट यहाँ पे मुझे कुछ क्लू दिख नहीं रहा यार। मतलब मैंने पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड छान मारा, बट मुझे फिर भी एक भी क्लू नहीं दिखा, ना ही लाइब्रेरी में ना ही कहीं पर और। एंड देन मैं वापस आ जाता हूँ होटल के पास अपने। यहाँ पे एक चेस्ट है, ये भी देख लेते ना भाई, इसमें कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। Oh, let's go, भाई, let's go. Final clue. ये है हमारा final clue, और देखते भाई final clue में क्या है भाई। The final destination. ये है हमारी final destination. इसी के साथ मुझे मेरा final clue मिल चुका था। मैं निकल जाता हूँ भाई अपने final clue की तरफ। तो final destination के कॉइन्स मिलते ही मैं पहुंच जाता हूँ वहां पर द ग्रेट स्वॉर्ड लेने के लिए। We are here, bros. We are here. भाई ओ बेटे माइनिंग फटीक लग गई आते ही, ये क्या बात हुई। तो अब हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है अपने ग्रेट सॉर्ट के, इतना पास आ चुके हैं तो अब इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता मैं। मेरे पे लग चुकी थी माइनिंग फटीक, और एक बार अगर मैं अंदर चला गया तो अब वापस आने का कोई चांस नहीं था। ओ भाई अब घूम फिर के हम पहुंच चुके थे एक मेज में, और मेज कंप्लीट करना कितना ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो मैं लग जाता हूँ भाई मेज कंप्लीट करने पे, ऐसे में कंप्लीट कर सकता हूँ यार, लेट्स गो। ये तो मेरे लिए शॉर्टकट हो गया भाई, बट ऐसे में भी कंप्लीट होगी नहीं होगी कोई भरोसा नहीं है भाई। ब्रो यहाँ पर मैं इतनी देर से घूम रहा हूँ, अब मैं दिमाग खराब हो चुका है मेरा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। पर तभी कुछ ये होता है। ओके मुझे रास्ता मिल रहा है लग रहा है मुझे। ओ शीश कांग्रेट्स यू हैव क्लियर द मेज, नाउ गो एंड फाइंड द नेक्स्ट क्लू इन द हाउस। तो फाइनली मैंने मेज तो कंप्लीट कर दी थी, अब मैं जाने वाला था नेक्स्ट लेवल के ऊपर। ओके हाँ, सो अब बढ़ते भाई हमारे नेक्स्ट स्टेज की तरफ। ओ डैम ब्रो ये क्या है। ओ भाई ये तो पार्कोर है भाई। ओके ये तो बहुत ज्यादा इजी लग रहा है मुझे देखने से, और मैं काफी खुश हो गया था ये पार्कोर को देख के, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इजी लग रहा था। बट तभी कुछ ऐसा होता है, एक और प्लेयर सारे क्लूज सॉल्व करके वहां तक पहुंच जाता है। प्लीज कैन यू लीव भाई, वापस लौट जाओ। ऐसे कैसे भाई, ठीक है फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, वापस भेजना मेरा काम है। मैं इस प्लेयर को कन्विंस करने की ट्राई करता हूँ वापस चले जाए, बट ये मानता नहीं है। तो अब एक ही रास्ता बचता है मेरे पास, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। मेरी स्वॉर्ड नो ब्रो मेरी स्वॉर्ड, शिट लड़ाई में मेरी स्वॉर्ड घूम गई। स्वॉर्ड भी गई है भाई, और ये कैसे हो गया भाई। मैं कर देता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफी अपना क्यू बटन दबा के बीच में गलती से। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, स्वॉर्ड नहीं है मेरे पास, अब मुझे सिर्फ क्रिस्टल से लड़ना पड़ेगा, और अगर मैं हारा तो मेरी सारी जर्नी वेस्ट। नहीं भाई Let's go, bro. भाई तो भाई बहुत ज्यादा किस्मत से मैं ये फाइट जीत जाता हूँ। तो उसने अपना एक टोटम उस पर फोड़ दिया, एंड मैंने जब जो क्रिस्टल फोड़ा उससे मेरा टोटम तो फूटा, बट वो पूरा का पूरा डेड था भाई। तो फाइनली भाई ये फाइट मैं जीत जाता हूँ, और अब हम लोग जा सकते हैं शांति से अपने नेक्स्ट लेवल पे अपना ये पूरा करने। ये मुझे लग रहा है भाई बहुत ईजी होने वाला, ये तो
कैसे ही हार्ड हो सकता है, मैंने नेदर राइट पहना है दोस्तों। ओह शिट भाई, ओह लेट्स गो भाई, हो गया अब ये तो ऐसी हो गया भाई। मुझे लगता है कब अगर कोई और आगे पहुंच गया होगा ना। तो ये पार्कोर बहुत ज़्यादा बेसिक था जो कि मैंने इजीली कंप्लीट कर दिया, ये मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। बट इसके बाद जो चीज़ थी ना वो भाई, अब भाई वार्डन के साथ है भाई गेम, असली गेम वार्डन के साथ है ब्रो। भाई यहाँ वार्डन है, ओके सो यहाँ तो पहले ही पूरा डार्कनेस है भाई, पूरा का पूरा वार्डन एरिया है। अब मुझे ये नहीं पता कितने वार्डन है अंदर, अब क्या कर सकते हैं भाई, ग्रेट सॉर्ड की तरफ जाना है तो फिर इनसे पंगा लेना ही पड़ेगा। ब्रो 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 वार्डन ने गया है, वार्डन ने सुन लिया है। ओह नहीं 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 नहीं, मैं गोल्डन एप्पल खा रहा हूँ माँ बजा, मैं नहीं फाइट लेवर लेट्स गो। नहीं 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 भाई प्लीज प्लीज छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे ब्रो 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 बस 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 हो गया हो गया। तो फाइनली मैं उस एरिया से बाहर तुरंत ही निकल गया। तुम भाई कितने भी खतरनाक प्लेयर हो, तुम्हारे पास 30 हार्ट क्यों ना हो, बट वार्डन से पंगा लेना इतना इजी नहीं है यार। मैं वहां से निकल तो गया और मेरी डार्कनेस खत्म होते ही जैसे मैंने पीछे देखा, शायद आखिरकार मैं मेरी ग्रेट स्वॉर्ड तक पहुंच ही गया। मैं क्या जगह पे आ गया भाई, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है भाई। ओ लेट्स गो ब्रो ग्रेट स्वॉर्ड, ओ माय गॉड ग्रेट स्वॉर्ड मेरे हाथ में, हिसाब बराबर करते हैं अब। वार्डन 1v1 bro, 1v1. Damn, let's go bro. आखिरकार जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की वो मेरे हाथ में है। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है स्वॉर्ड को पकड़ के। ये थी जर्नी द ग्रेट स्वॉर्ड की। Thank you.